आज सिरसा पहुंचे हैं, इससे पहले कालावाली का कार्यक्रम रहा है, कैसे कार्यक्रम रहे हैं? आज कालावाली में संत गुरु रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें हम सम्मिलित हुए। और संत गुरु रविदास जी का जो जयंती थी वो फरवरी में थी, लेकिन सेशन की व्यवस्था की वजह से उनको टाइम अप दे पाए, तो आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम था और लोगों में काफ़ी आस्था है संत गुरु रविदास जी के उपदेशों में, उनकी जो भावनाएं थी और जिस तरह से जो संत गुरु रविदास जी ने जो उपदेश उस टाइम दिए थे, जो उन्होंने शिक्षा दी थी, उन सबको साकार करने का काम हरियाणा सरकार पूरी तरह कर रही है। माननीय मनोहर लाल जी उस परंपरा को निभा रहे हैं और अंत्योदय के तहत गरीब से गरीब आदमी को भी लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार की उपलब्धियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, पिछले 8-9 साल के करीब हो गए हमारी प्रदेश की सरकार, और माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उन्होंने सभी सर्विसेज को ऑनलाइन किया, नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का काम किया, और बहुत सी योजनाएं जैसे अंत्योदय के तहत समाज के अंदर अंतिम पंक्ति पर खड़े आदमी को सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, उस पर काम कर रहे हैं। तो सरकार हर वर्ग का, हर विभाग का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के, बिना भ्रष्टाचार के, जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया है, आज प्रदेश में हर जगह चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, सभी विभागों में बराबर काम हुआ है, हर हलके में बराबर काम हुआ है। तो यह सरकार जो सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, जो किसान हैं वो दोबारा एजिटेशन कर रहे हैं और सरपंच भी सड़कों पर है, हर तरफ हल्ला मचा हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध भी देखा जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस मकसद पर? सरपंचों को कितना सही मानते हैं? देखो, सरकार ये चाहती है कि काम ट्रांसपेरेंसी से हो, और अभी 2 लाख की लिमिट थी, अब 5 लाख की लिमिट सरकार ने मान ली है कि 5 लाख तक का काम अब बिना टेंडर के करवा सकते हैं, और उसके ज़्यादा, उससे ज़्यादा काम करवाना है तो टेंडर के जरिए होगा। कोई लिमिट उनकी कम नहीं की, उनकी पावर कोई कम नहीं की, बल्कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की पावर दी है, और जो टेंडर का जो कहते थे कि वो 21 दिन लगते हैं, टाइम लगता है, उसको भी 7 दिन किया है। तो सरकार ने तो काफ़ी सहूलियत दी है, और अभी हो सकता है सरपंच साहिबान नहीं समझ पा रहे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि पूरे हरियाणा में तो है नहीं है, सब जगह तो सरपंच विरोध कर नहीं रहे, किसी किसी हलके में कर रहे हैं, तो वो भी समझ जाएंगे धीरे धीरे, कोई ऐसी बात है। पंजाब का मुद्दा काफ़ी बका हुआ है, अमृतपाल के मामले को लेकर काफ़ी हाईलाइट मामला बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हाईलाइट पे रखा गया है पंजाब को, क्या कहना चाहते हैं उस मुद्दे पर? जैसे कि बातें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी का जो माइंड है वो दिल्ली से चलता है। देखो, ये तो बात ठीक है कि जो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वही उसी डायरेक्शन में वो काम करते हैं, और पंजाब के अंदर जो आज की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो सरकार, केंद्र सरकार भी उस पर ध्यान रख रही है, और जो भी आवश्यक कार्रवाई हो उसके खिलाफ की जाएगी। सीएम का भी दौरा था, पीएम साहब का भी दौरा था, वो भी वापसी वहाँ से उनको लौटना पड़ा, सुरक्षा को देखते हुए जो आज का माहौल है, क्या आपको लगता है कि पंजाब सेफ है? मैं तो कह रहा हूँ पहले ही, पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी के, एक देश के प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़े, इससे बेकार स्थिति क्या हो सकती है। ठीक, ओके।